न्यूज और आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। बिजनौर जिले की नगीना में ठगी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। धोखाधड़ी का ये कारोबार पुलिस की मिलीभगत से चलाए जाने का आरोप है। जाठव नौशाद और शहजाद ने पुलिस के संरक्षण में एक युवक को पुराना लोहा दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है और शिकायत करने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित युवक जब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ACJM कोर्ट पहुंचा और न्यायालय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को संबंधित धाराओं में आरोपी के गिरफ्तार होने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह खाक छान रही है। अब माना जा रहा है कोर्ट के आदेश पर जांच के बाद आरोपी नौशाद को शहजाद की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल सकता है। के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।